पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लाइन पार माता मंदिर में होली के दिन मारपीट होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिवार के दो लोगों को जेल भेज दिया। अब पुलिस ने विपक्षियों की शिकायत पर फिर से एक मुकदमा थाना मझोला में धारा 323, 504, 506 में दर्ज कर परिवार के चार सदस्यों को नामजद किया है। पुलिस को अपना पक्ष भी रखा गया, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। पीड़ितों का कहना है कि सच ये है कि विपक्षियों ने पहले बेटे और भाई से मारपीट की और मेरे बेटे के गले की चैन भी लूट ली। पत्नी मित्रपाल सिंह, क्या स्थिति आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि होली वाले दिन मेरे बेटे को और मेरे भाई को लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा। मारने का कारण ये है कि वो लोग नशे में थे। ये संजीव पुत्र तोताराम, दिनेश पुत्र तोताराम, भारत पुत्र तोताराम, पारस पुत्र चंद्रप्रकाश और लक्की पुत्र भजनलाल, मेरे बच्चे ये दोनों जा रहे थे। इन लोगों ने उनके साथ हाथापाई की और मेरे भाई को शादी में चेन मिली थी, उन्होंने चेन खींच ली एकदम। तो ये उतरे कि भाई क्या कर रहे हो, तब ये गाली गलौज करने लगे, मारने पीटने लगे। इन्होंने लाठी डंडों खूब से खूब मारा और 15-16 लड़कों को वहाँ के बुला लिया। इतना मारा कि मेरे भैये के आँख नाक में से खून आया, टांग तोड़ दी उसकी, टांग में इतनी चोट आई है, बहुत ज़्यादा मारा। वो लोग घर पे आते हैं तो हमने पूछा भाई क्या हो गया, इतने हाँ पाते हो, क्यों आयो? तो ये बोले कि इन लोगों ने हमें बहुत मारा। हम लोग पूछने गए तो ये मंदिर की तरफ भाग गए, मंदिर में छुप गए, जो कि मंदिर में नशे का काम करते हैं, खूब अफीम नशा खूब करते हैं ये। हम लोग पूछने गए तो ये वहीं से अंदर से हमें बैठ के गाली वगैरह बकने लगे। हमने कहा गाली क्यों बक रहे हो, बाहर निकल के आओ। बाहर न आ रहे ये और हमें उल्टा सीधा बोलने लगे, तो हम अंदर गए। पता नहीं धक्का मुक्की में वहाँ बहुत सारे लोग थे, मंदिर खुल गया और जब हम अंदर गए तो इन्होंने वो फुटेज दिखा रहे हैं जो हमने इनसे बातचीत करते हुए दिखा रहे हैं। जो रियल की फुटेज है वो नहीं दिखा रहे। अगर ये लोग सही हैं, हम गलत हैं, तो सुबह की 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ये फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे? वही छोटी छोटी क्लिपिंग उठा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। जबकि वहाँ पे शिवालय के पास एक जो लड़का पड़ा है, चंद्रप्रकाश का लड़का जो है पारस, वो पहले से ही शराब पिए हुए हैं। उसकी जो आप लोग छानबीन निकालें, पता करें कि हम गलत हैं या वो गलत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसकी उचित कार्रवाई की जाए। हमारे मेरे पति, हम लोगों ने मेडिकल भी कराया, हम लोग गए अपने वहाँ पर क्या कहते हैं थाने, मझोला थाने हम गए जब इन लोगों ने मारपीट की कि भाई हमारे साथ मारपीट हुई है। हम लोग गए वहाँ पर तो ये बोलते हैं कि आप मेडिकल कराओ, हम मेडिकल कराने, उन्होंने थाना अध्यक्ष जी महोदय ने हमारे पास एक लड़का भेजा, हमने मेडिकल कराया तो बोले कि उचित कार्रवाई होगी, इस बात का अनुशासन हमें दे के हम घर आ गए। अगले दिन जो हमें ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, छोटा सा मसला है, यह निबट जाएगा, पर इन्होंने छोटा सा मसला नहीं बनाया। अगले दिन मेरे पति को, मेरे भाई को पुलिस उठा के ले गई। इन्होंने ये जो छोटी छोटी क्लिपिंग उठा के इन्होंने एक आपसी झगड़े का ना धार्मिक मुद्दा बना दिया और ये वीडियो वायरल कर दी। इन्हें ये शर्म नहीं आई कि हम भी सैनी हैं। सर, मैं भी सैनी समुदाय से हूँ और ये भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, ये भी सैनी है, पर इन्होंने इतना ज़्यादा तुल बना दिया इसको, इस बात को, कि मीडिया में उछाल दिया। हम फिर अगले ही दिन इन्होंने मेरे पति को, मेरे भाई को उठा लिया और पुलिस से पिटाई भी करवाई। और क्या कहते हैं, फिर जब हम लोगों ने इनकी कोशिश करी छुड़ा के लाने की, हम छुड़ाने लाने में रह गए, फिर इन्होंने हमारी FIR कर दी धारा 323, धारा 504, धारा 506 में कि मारपीट और हम डरा धमका रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ये चाहती हूँ कि एक निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो। ये नहीं है कि एक तरफ की बात सुन के हमारे ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। आपके बच्चों के साथ कोई मारपीट हुई थी, उस टाइम का कोई एविडेंस कोई आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास एविडेंस है। हमें पता नहीं था कि ये लोग इस तरीके से इस मुद्दे को इतना बड़ा तुल दे देंगे। मेरे पास अब एविडेंस है, मेरे बच्चों को मारते हुए भी है, मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा मारते हुए एविडेंस है मेरे पास। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के महोदय से कि इस बात पे, इस कथन पे मेरे सुनवाई हो, कार्रवाई हो। ताकि अभी आपने शिकायती पत्र दिए? सर, मैंने शिकायती पत्र मैंने बताया आपको, पहले भी बताया, अभी पूर्व में बताया है कि हम तो शांत होकर बैठ गए थे कि चलो कोई नहीं, मारपीट जो हो गई आपस में निबट जाएगी, पर इन्होंने आपसी झगड़े को एक धार्मिक मुद्दा बना दिया और जो हमारी सबकी भावनाओं से इन्होंने इतना खिलवाड़ करा, हमें तो बहुत ही ज़्यादा गलत ठहरा दिया, पूरे हमारे नाम को बदनाम कर दिया। जबकि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर के भी और मैं स्वयं
मंदिर में रोज़ माथा टेकने जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ। जबकि हम इस बार राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं और हमें जो है बहुत ज़्यादा इन लोगों ने एक विवादित तरीके से पेश करा है। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला हूँ, अच्छे परिवार से संबंध रखती हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे भी पता है अपने दायरे की ये करना है या नहीं करना है। सर मेरे बच्चों को इतना मारा, मैं पूछना भी गलत है क्या? कोई भी सर मेरी जगह कोई भी महिला या कोई भी पुरुष होता वो यही करता कि आप आओ बताओ ये क्या तरीका है कि आपने धार्मिक स्थल को इस तरीके से बदनाम कर दिया। अगर ये सेवादार होते या ये कमेटी के ट्रस्टी या कुछ भी होते, कोई पदवी होता, तो इस तरीके से मुद्दा धर्म का नहीं उठाते, क्योंकि ये एक असामाजिक शरारती तत्व है। इन्होंने सोचा भी नहीं, एक बार भी नहीं समझा और उस तरीके को, इस बात को इतना तुल बना दिया कि पूरी मीडिया पूरे भारतवर्ष में हर जगह जगह बहुत बड़ा संकट जैसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी कि मैं, मेरे पास उचित शब्द भी नहीं है कि मैं इन लोगों के लिए क्या कहूँ। फिर भी मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो, सच्चाई का पता चले, वीडियो की रियल फुटेज निकाली जाए, उन पर दिखाए, उनको देखा जाए, कार्रवाई की जाए, जो दोषी है उन पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। मैं ये आप महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया जाए, मेरा पक्ष भी सुना जाए और मेरी भी बात सबके सामने लाई जाए। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।